नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा, आपके साथ मैं हूं घनश्याम। हाल ही में पीओके में हुए चुनाव पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उसने दो टूक कहा है कि भारत के इस भूभाग पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने कहा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान की अवैध कब्जे का सच छुपाने की साजिश है। भारत ने इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उसने पाकिस्तान से कहा कि वो अपने अवैध कब्जे को खाली करने का बंदोबस्त करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान और चीन की एक ओर से संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। बागची ने चीन पाकिस्तान संयुक्त प्रेस बयान में तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का उल्लेख किए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भारत ने निरंतर ही चीन और पाकिस्तान को इस बात से अवगत कराया है कि तथाकथित CPEC भारत के भाग में है। बागची ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हम पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में अन्य देशों की यथास्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं। साथ ही पाकिस्तान की ओर से अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों में किसी भी भौतिक परिवर्तन का भी विरोध करते हैं। हम संबंधित पक्षों से इस तरह की कार्रवाई को रोकने का आह्वान करते हैं। CPEC चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा है। आपको बता दें, उधर अफगानिस्तान में भी चीन, पाकिस्तान और तुर्की की तिकड़ी तेजी से सक्रिय हो रही है। चीन और पाकिस्तान ने अफगान मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। वहीं एक और भारत विरोधी राष्ट्र तुर्की भी इस टिकड़ी में शामिल होकर अपना लाभ देख रहा है। वो लगता है कि वो मुस्लिम देशों का नेतृत्व कर सकेगा। तुर्की पहले से ही अपने देश में उइगर मुस्लिमों को निशाना बनाकर चीन का प्रिय बन गया है। चीन भी अमेरिकी सेना के जाने से आई शून्यता को अपनी मौजूदगी में भरना चाहता है। इन तीनों देशों को अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर भी नजर बनी हुई है। भारत ने अफगानिस्तान में अभी तक 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। भारत ने अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण और एक बांध बनाया है। और चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अचल कुमार मल्होत्रा साहब, पूर्व राजनयिक हैं, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अचल जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, हाल के दिनों में CPEC के बारे में भारत की तरफ से दिया गया मौजूदा बयान कितना सख्त है सर, कैसे देखना चाहिए इस बयान को? देखिए घनश्याम जी, दो तीन बातें हैं जो शीशे की तरह साफ हैं। पहली बात तो ये कि सो कॉल्ड आजाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्यूपाई किया गया वो हिस्सा है जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है। दूसरी बात, जो भी CPEC प्रोजेक्ट्स या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया से होके जाती है तो वो हमारी नजरों में टोटली अवैध है। और समय समय पे जब जब ये हमारी नॉलेज में आया है हमने इसका कड़ा विरोध किया है। तो जाहिर है कि देखिए होता क्या है कि ऐसे में अगर हम चुप्पी साधते हैं तो हमारे विरोधियों को इसे लेजिटिमाइज करने का मौका मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी हाल ही में एक असेंबली के जो इलेक्शंस हुए हैं, हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड यही रहा है कि वहां पाकिस्तान का कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। पाकिस्तान में जो असेंबली वहां क्रिएट करी है एक शैम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जितने भी अफेयर्स हैं वो इस्लामाबाद से कंट्रोल होते हैं। 14 मेंबर की एक कश्मीर काउंसिल है जिसमें वहां के प्रधानमंत्री जो हैं उसे चेयर करते हैं और वही वहां से इसको डायरेक्ट करते हैं, वही से गाइड करते हैं। और पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो सब कुछ पाकिस्तान की डीप स्टेट यानी आर्मी और ISI के इशारे पे काम करते हैं। आपने देखा होगा एक पैटर्न है, इस असेंबली में जब भी कोई इलेक्शन होता है तो जो इस्लामाबाद में पोलिटिकल पार्टी आर्मी की एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ रूलिंग पार्टी होती है वही उसी पार्टी को जिताया जाता है इस असेंबली, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड असेंबली के इलेक्शंस में।
तो पहले नवाज शरीफ की सरकार थी इस्लामाबाद में, तो वो यहाँ जीते थे। अब के जो है इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी इस्लामाबाद में रूल कर रही है, तो उसको यहाँ जोर जबरदस्ती जिताया गया है। बहरहाल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आए वहां पे वो इलीगल है, अवैध है। इस बार अच्छा ये हो रहा है कि कुछ जो पहले से कंपैरेटिवली जो एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो आवाम है उसने बड़े खुले शब्दों में आवाज उठाई है। उसने ना सिर्फ पाकिस्तान की सिलेक्शन की रिगिंग की बात करी है, उसने साफ खुले शब्दों में पाकिस्तान के आर्मी को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से बाहर निकलने के लिए भी कहा है। इसी तरह सीपैक जो है उसके खिलाफ भी धीरे धीरे पाकिस्तान में एंटी चाइना सेंटिमेंट बन रहा है। आपने देखा हाल ही में 9 इंजीनियर्स थे चाइनीज इंजीनियर्स जिनको एक ब्लास्ट में जो मर गए, वो टेरर अटैक था जाहिर है उसके अगेंस्ट। तो हमारा जहां तक कंसिस्टेंट स्टैंड यही है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इलीगली पाकिस्तान ने घेर ठीक है रखा है, वहां कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती, ठीक है पॉलिटिकल सर, एक्टिविटी ठीक है या इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। तो सिवाज साहब, कई बार चेताने के बावजूद भी चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, कश्मीर पर बोलने से बास क्यों नहीं आते हैं? ये कैसे मानेंगे? देखो घनश्याम, मानना तो इस प्रकार से है, अगर हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी रहेगी तो मानेंगे कि अभी देखो काफी बदलाव आया भारत के सोच में भी, नहीं तो पहले कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा साइलेंट थे, पर अभी हमने आवाज एट डिप्लोमेटिक लेवल पॉलिटिकल लेवल भी स्टार्ट करती है कि ये जम्मू एंड कश्मीर पूरा भारत का हिस्सा है, और ये जो भी गिलगित पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है ये इलीगल है क्योंकि इसके कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, ये भारत का हिस्सा है। और इसी प्रकार से ये जो इलेक्शन हुए हैं अभी पीओके के अंदर ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज पाकिस्तान इस पे कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, कहीं इलेक्शन नहीं करा सकता, वो तो भारत का हिस्सा है। तो इसके बारे में भारत अब बड़े जोरों से बोल रहा है, और अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हो रही है, जो बदलाव आया है उसमें बदलाव है कि आज पाकिस्तान को डर लगने लगा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहीं हाथ से ना निकल जाए, और ये मुझे लगता है आने वाले समय में होगा। उसकी दो तीन वजह है। एक तो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भारत के अंदर जम्मू कश्मीर है उसकी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है, पंचायत इलेक्शन हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, टूरिज्म बढ़ा, रेडिकलाइजेशन बड़ा कम हो गया है, और टेररिज्म का खात्मा होने वाला है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो कि एक प्रकार बहुत पिछड़ गया है, जहां पर बिजली पानी सड़क कुछ नहीं है, वो लोग चाहते हैं, अभी नारा लग रहे हैं। अभी आप देखें जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इलीगल इलेक्शन हुए हैं उस समय जब इमरान खान मुजफ्फराबाद पहुंचते हैं तो लोग आवाज करते हैं कि ये जो इनकी मेन नीलम नदी है जो कि पानी का सोर्स है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान ने उसका भी मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर लिया। तो ये तो उनकी एक ट्रीटमेंट है अभी पीओके में, और गिलगित बाल्टिस्तान में उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। तो ऐसे में अभी आवाज वहीं से आने लगी, वो चाहते हैं कि हम भारत का हिस्सा बने, वो पाकिस्तान में कोई नहीं रहना चाहता, वहां से आवाज आती है ये जो दहशत करती है इसके पीछे बढ़ती है। तो ये साफ सुथरे शब्दों में ये है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वहां पर टेररिज्म फैला रही है, वहां पर आतंकवाद फैला रही है, या वहां पर जो भी गवर्नमेंट है सेंटर में होती है उनके में वही वहां रूल करती है। तो एक प्रकार से फॉर्स रूल है, ये जो इलेक्शन हुए हैं ये फ्रॉड थे, ये एक तो इलीगल थे, इनकी कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं थी, उसके अलावा ये जो इलेक्शन में रिगिंग हुई है और पीटीआई ने धांधली करके ये जीती, तो हम यही कहेंगे कि इस पॉइंट को हम हर एक फोरम में लेके आ रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में अगर भारत और भी ऑप्शन के बारे में सोच रहा है, ये नहीं कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक है, मुझे लगता है भारत का सोच विचार है कि ये भारत का अटूट अंग है, और एक रिजोल्यूशन पास हो चुका है 1994 में पार्लियामेंट में कि पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है और वापस आना चाहिए, और जम्मू और कश्मीर की असेंबली में 25 सीटें खाली भी छोड़ी जाती हैं। तो मुझे लगता है अगला स्टेप है कि हमको क्या जी करना चाहिए, ये जो असेंबली की सीटें हैं इसके अंदर हमें नियुक्त करने चाहिए, उनके इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि हमारा हिस्सा है। और दूसरा बात है अगर हमें और कोई ऑप्शन भी अप्लाई करने पड़े तो भारत उसके लिए भी मेरे को लगता है हर
चीज के लिए सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है ये भारत का हिस्सा और भारत के अंदर वापिस आने चाहिए, मुझे जी, लगता है ये आने वाले टाइम में ऐसा होके रहेगा। ठीक है मल्होत्रा साहब, हम जब जब कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से की गई गैर कानूनी जमीन में यथास्थिति बदलने की कोशिश की, हम निंदा करते हैं, सर ये निंदा कर देना भर कितना काफी होगा? आपको क्या लगता है इस निंदा से आगे कदम उठाए जाने की भी जरूरत है, तब पाकिस्तान समझेगा हमको? जी हाँ घनश्याम जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, निंदा करना अपनी जगह है। जैसा मैंने पहले भी किया कहा कि अगर वो कोई भी स्टेप लेते हैं तो हमें ऑफिशियली रिकॉर्ड पे जाना है, अपनी स्टेटमेंट को दर्ज करना है, अपनी जो हमारी खिलाफत है उसे दर्ज करना है, नहीं तो वो जो उनका एक्ट है वो लेजिटिमेट हो जाता है। बट आपने बिल्कुल सही कहा, अगर वो करते रहेंगे, हम सिर्फ निंदा करते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। ये फिर दुनिया के बहुत सारे जो वॉर फॉर एवर या फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट और सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम कहते हैं, तो वही परिभाषा फिर जम्मू एंड कश्मीर इशू के ऊपर भी लागू होगी। अब सवाल ये कि क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है सरकार ने डेफिनेटली इस पे विचार कर रही होगी। एक बोलते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं कि किस एक्शन से, मान लीजिए हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, क्या आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम जोर जबरदस्ती से अगर उसको अपने साथ इंटीग्रेट करते हैं तो उसका क्या कॉस्ट होगा, क्या बेनिफिट होगा, ये सारे एनालिसिस मुझे लगता है समय समय पे होते रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से समय आ गया है कि अब वोकली हम जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आवाम है उसकी जो स्ट्रगल है एंटी पाकिस्तान, उसके लिए पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट खुले आम सरे आम जो है हम अनाउंस कर दें। ऐसा हमने बालूचिस्तान के लिए भी एक बार कहा था, जब हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था और बालूचिस्तान को रेफर किया था, लेकिन उसके बाद से हमने खुल के कुछ कहना बंद किया। तो मुझे लगता है कि कम से कम पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात हम शुरू कर दें, हम इस बात को एनकरेज करें वहां की आवाम को कि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन पे कोई एट्रोसिटीज होती हैं, तो फिर हम जैसे बांग्लादेश जैसी सिचुएशन में हमने इंटरवीन किया था तो हम वैसे भी इंटरवीन करेंगे। अदरवाइज हमारी तरफ से कोई भी मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करना शायद आज की तारीख में ठीक नहीं होगा। और उससे पहले अभी हमें अपने जम्मू एंड कश्मीर यानी कश्मीर वैली में भी कुछ काम बाकी बचे हैं, उन्हें करना जरूरी है। जैसे कि अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, असेंबली के इलेक्शन होने बाकी हैं, तो और भी कई डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हो रहे हैं, तो एक साथ मुझे नहीं लगता कि हमें अपने आप को यू नो इतना ज्यादा उलझा लें कि ये फिर हमारे लिए और मुसीबत नहीं बन जाए। तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चलता रहता है समय समय पे, बट पेंडिंग दैट पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक सब लगातार जारी है। और आज हम कई मुद्दों पर एक साथ बात करने का प्रयास कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असल में पाकिस्तान और चीन को कैसे समझाया जा सकता है, इस पर भी बातचीत की जो प्रक्रिया है उस पर जोर है। मेरे साथ सिवाज जी भी बने हैं। सिवाज साहब, सीपीईसी का निर्माण बंद करने की बात बार बार कही जाती है, लेकिन ये निर्माण बंद कैसे होगा, वो कौन से कदम है जो वैश्विक मानचित्र पे भारत को उठाने बहुत लाजमी है? देखो, इसमें तीन चार पॉइंट हैं जो कि हम कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। एक तो ये सच्चाई बात है कि एट पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल हम रेज कर रहे हैं कि ये गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान और इसे जा रहा है तो ये इलीगल है और पाकिस्तान इस इलाके को दे नहीं सकता, उसका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है और चीन इस पे बना नहीं सकता, तो ये हम हर फोरम में भी बता रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि अब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, वो खुद ही फेल हो रहा है। उसमें $62 बिलियन का पैसा लगा हुआ है, मगर हो क्या रहा है कि जो भी मेन इसके प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं या बाकी उसके रोड हैं, रेलवे ट्रैक्स बनने, उसमें अभी लोगों ने ये समझ आ गया पाकिस्तान में कि ये जो है चीन अपने गेम के लिए कर रहा है। चीन जो है उसको खुद फायदा होगा और पाकिस्तान जो है एक्सप्लॉइट हो जाएगा और पाकिस्तान एक डेप्ट ट्रैप में चला जाएगा, तो ये उनको अभी नजर आने लग गया है जिस प्रकार से हमन टोटा का हुआ है श्रीलंका में। तो अभी जो टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, इंजीनियर्स हैं, वो सब चीन से आ रहे हैं, बैंक लोन चीन दे रहा है और पाकिस्तान का कोई भी जॉब नहीं मिला है, उनको मिनियल जॉब मिली है, छोटी बहुत सिक्योरिटी की जॉब मिली। तो अब जो लोग इसके अगेंस्ट हो गए, अगर आप देखें कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अगेंस्ट गिलगित बाल्टिस्तान में भी लोग आ रहे हैं, वो नारेबाजी लगा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं,
उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जिस पर फ्रीडम स्ट्रगल चलाई है, वो बिल्कुल अगेंस्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी तक तो पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा था उनके रिसोर्सेज, जो भी जिंक भी है, कॉपर भी है, गैस भी है, अब इसमें चीन भी हकदार बन जाएगा। और अगर आप देखें पीछे कुछ टाइम में उन्होंने काफी अटैक भी किए, तो ऐसे में मुझे लगता है कि आज चीन बहुत अनपॉपुलर हो रहा है पाकिस्तान में। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मेजोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं, या तो बंद हो गए या बहुत धीरे चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब आने वाले टाइम में जो $62 बिलियन बोल रहे हैं, ये बढ़ के $80 बिलियन तक चला जाएगा, और ये पाकिस्तान जो है पूरे डेब्ट ट्रैप में हो जाएगा चीन के, और लगता है एक्सटेंडेड स्टेट हो जाएगा। तो पाकिस्तान को आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने वाला है, जो अभी भी है, अभी भी उनका $116 बिलियन का कर्जा है, और वो और भी बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी ये काम रुके हुए हैं, लोग इसके अगेंस्ट हैं, पब्लिक अगेंस्ट है, अवाम अगेंस्ट है, और जो ये लिबरेशन फ्रंट है वो इसके अटैक कर रही है, तो खुद पता लग गया चीन को कितना अनपॉपुलर है। अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में 9 चीनी इंजीनियर्स को मार दिया गया है, वो भी तरीके तालिबान पाकिस्तान ने, पहले चीन जो ने बड़े वार्निंग दे दिया पाकिस्तान को कि अगर ऐसा अगली बार हुआ तो हम अपनी ही सिक्योरिटी ले आएंगे पाकिस्तान। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की जो हालात बड़ी खराब है, इकोनॉमिकली बहुत बुरी हालात में है, वो टूटने के कदार में। मुझे लगता है आने वाले समय में इकोनॉमिकली वो 4 हिस्से हो सकते हैं, सिंध के, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, क्योंकि ये इतना कर्जे में पड़ गया ये दे नहीं पाएगा। और दूसरी बात ये क्या है कि आज इसमें टेररिस्तान है, यहाँ पर 30 से 40 हजार आतंकवादी हैं। अब जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो बहुत एक्टिव हो गया, और वो कहीं ना कहीं तालिबान का एक प्रकार दे आर द सेम 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, वो अभी इस पर काफी अटैक कर रहा है पाकिस्तान पे। तो मुझे लगता है कि भारत की जो स्ट्रेटेजी है बड़ी ठीक है, हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं वर्ल्ड में, और कुछ एक चीजें पाकिस्तान के अंदर ही होनी है, जो पाकिस्तान के बस की नहीं है, उसका सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको संभाल नहीं पाएगा। और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक प्रकार से बहुत अनपॉपुलर हो गया पाकिस्तान में, और लोग समझते हैं ये डेब्ट ट्रैप में है, और आज ये चीनियों के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई है, और मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर आइदर स्टॉप और दे स्टॉप। जी ठीक है जी ठीक है मल्होत्रा साहब, 2015 में चीन ने एक बैठक बुलाई सीपीईसी पे, जिसमें कई देश शामिल हुए, लेकिन भारत का उसमें शामिल ना होना, अपना विरोध दर्ज कराना, क्या माना जाए वहीं से असल में असली टसल की शुरुआत हो गई? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार ने पहले से इस बात को भांप लिया था कि जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है ये बेल्ट एंड रोड, उस समय से शायद वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से कहा गया था, जो अब बेल्ट एंड रोड BRI के नाम से जाना जाता। तो भारत की असेसमेंट बिल्कुल सही थी कि ये एक कोई बिनाइन प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि पूरी दुनिया को चाइना से होके मिलाते हुए जाना है, रोड डेवलप करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका एंड जो ऑब्जेक्टिव है वो भारत सरकार ने समय रहते हुए असेस कर लिया था कि एंड ऑब्जेक्टिव है, चाइना चाहता है कि एट द एंड ऑफ द डे सारे बेनिफिट जो है इसी को एक्रू करें। और आने वाले वक्त में ही क्लियर भी हो गया कि इस BRI के दम पे इसने बहुत सारी अफ्रीकन और छोटी बड़ी कंट्रीज को अपने डेट ड्रॉप में ले लिया। तो भारत सरकार ने शुरू से ही इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाले थे उसका सही मूल्यांकन किया, उसकी असेसमेंट करी, और इसीलिए रिजर्वेशन दिखाई इस प्रोजेक्ट को लेके। और ऑफकोर्स हमारी CPAC के लोग के तो खास तौर से रिजर्वेशन थी, बिकॉज वो हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात आ जाती कि हमारे एरिया में से होके आप चाइना और पाकिस्तान मिलके एक प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो हमारी ऑपोजिशन रही है, इस बात को पूरी दुनिया रियलाइज कर रही है। आप देखिए अभी पीछे अनाउंस हुआ था G7 की मीटिंग के बाद, USA और कुछ और कंट्रीज ने मिलकर अनाउंस किया था ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, उन्होंने कहा कि हम फंड रेज करेंगे और जो एक ऐसा वो जो फंडिंग होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा छोटी छोटी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ क्लियर था कि चाइना का BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए है, क्योंकि ये जो जितनी भी फंडिंग होगी ये बहुत ही बिनाइन होगी, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होंगे, कोई कोई किसी भी किस्म की दूसरी मंशा नहीं होगी। जो गरीब देश है उन्हें सहायता की जाएगी, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा,
असिस्टेंस दी जाएगी, एड दी जाएगी, या बहुत ही सस्ते दरों पे उन्हें लोन दिए जाएंगे। तो ये आप पूरी दुनिया में इस बात की रियलाइजेशन होगी जो हमने पहले दिन से भांप लिया था कि इसके जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है चाइना के माइंड में, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसके अपने हितों में है, ना कि उन दूसरे देशों के हितों में जिनकी वो रिसोर्सिस का इस्तेमाल करेगा, जमीन का इस्तेमाल करेगा और अपनी जेब से पैसा देके उन्हें इकोनॉमिक एनस्लेवमेंट की तरफ ले जाएगा। और फिर जिंदगी भर जैसे कि आपने देखा वो श्रीलंका में हुआ हामुत के साथ, एक क्लासिक एग्जाम्पल है, एक क्लासिक एग्जाम्पल है ये समझने का कि हाउ इट ऑपरेट्स। हमारे भी मिडिवल पीरियड में हमारे यहाँ जमींदार हुआ करते थे, किसानों को लोन दे दिया करते थे, इतना लोन देते थे कि बेचारे वो चुका नहीं पाते थे, उसका कर्ज भी सूद भी नहीं दे पाते थे, तो उनकी जमीन हथिया लिया करते थे। तो ये इसका बड़ा ही मैग्नीफाइड वर्जन है। तो हमने इस बात को शुरू के दिन से ही इसे महसूस किया, असेस किया, ठीक समय पे किया और हमने इसका हिस्सा ना बनने का जो है बहुत ही वाइज डिसीजन जी। ठीक है सिवाज साहब, अंतर्राष्ट्रीय ढांचागत विकास परियोजनाओं में दूसरे देश की भौगोलिक अखंडता का आदर, उसकी रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है असल में, इसी तरह समझाइए मेरे व्यूवर्स के लिए। देखो बिल्कुल घनश्याम, इसमें कोई शक नहीं कि आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को नहीं मानेंगे तो ये तो इसका मतलब इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर, उसको आप नहीं मान। अगर आप देखेंगे ये जो क्वाड बना है उसके जो प्रिंसिपल हैं वो यही हैं, क्योंकि जो विस्तारवादी गतिविधियां हो रही थी चीन की जी। उसके अगेंस्ट बना है और उसके तीन फाउंडेशन प्रिंसिपल हैं। एक है सबसे पहले फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, और तीसरा है टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग स्मॉलर आइलैंड नेशन इन इंडो पैसिफिक। वो इसीलिए बना है कि आपको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी दूसरे देशों की माननी पड़ेगी, आप दादाशाही नहीं कर सकते। जिस प्रकार से ये जो चाइना ने बनाया है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसके अंदर फेलियर होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसके अंदर वो किया है जो चीन को ठीक लगा, वो नहीं किया कि जिस देश के अंदर ये जा रहा है उसकी क्या जरूरत। और इसी प्रकार से मेजोरिटी ऑफ द कंट्री या तो वो डेब्ट ट्रैप में पड़ गई है या उनको ये प्रोजेक्ट बंद हो गए। आप ये देखें चाहे वो अफ्रीका में जा रहा है या एशिया में, मेजोरिटी कंट्रीज ने इसको बंद करा दिया। मलेशिया ने काफी बंद करा दिया प्रोजेक्ट, बांग्लादेश ने काफी कम करने की कोशिश करा, इसी प्रकार म्यांमार ने, जो म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर था चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें रीजन क्या है कि सबको अभी शक है कि जो चीन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। चीन जो है आपको ड्रैफ्ट ड्रैफ्ट में डालेगा। चीन जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है वो अपने फायदे में कर रहा है, वो उस देश के फायदे में नहीं कर रहा जहां पर ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और चीन जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को नहीं मानता और वो धीरे धीरे विस्तारवादी गतिविधियां करता है, उसने यही किया है। आप देखें बिल्कुल सर, तो चीन सेल्फ ऑब्सेस्ड है और अपने फायदे के लिए ये सारी चीजें करता जा रहा है। समय मेरे पास इतना ही है सिवाज साहब, समय इतना ही, माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको। बहुत शुक्रिया सिवाज जी आपका, मल्होत्रा जी आपका समय निकालने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।